Hello everyone. Welcome to my IELTS speaking test series, IELTS Talks with Karishma. Hi, I'm Karishma Joshi, the founder of Navigators Education, a mother of two cute daughters, a powerful source together, a wife to a founding partner, Chirag Joshi, a soulful and a supportive man, and a daughter to a father who taught me to value myself, to believe in self-worth, and blossom into a strong and courageous woman. I am a certified trainer by IDP Australia, British Council, Cambridge University, PT and TOEFL too. Having 17 plus years of experience by training and helping to secure desired scores in IELTS and PT to more than 10,000 students till date by both offline and online modes. So guys, चलिए देखते हैं कि आज का हमारा क्यू कार्ड टॉपिक कौन सा है. तो आज का हमारा जो क्यू कार्ड टॉपिक है वो है कि डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम. तो ऐसा बहुत बार होता है जब हम लोग कहीं पे जा रहे होते हैं तो हम ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं. और आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा होने लगा है क्योंकि हर सिटी में हर जगह पे हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है. तो ऐसा ही कोई एक इंसिडेंट हमें लेना है और हमें उसके बारे में यहाँ पर बताना है. नाउ द क्यू क्वेश्चंस आर व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड. वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, हाउ लॉन्ग यू वर इन ट्रैफिक जैम. आप कितना लंबे समय तक ट्रैफिक जैम में रहे थे. वॉट यू डिड वाइल वेटिंग. आप उस वक्त जो वेट करना पड़ा उस वक्त आप क्या कर रहे थे. एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट वैन यू वर इन ट्रैफिक जैम. तो लास्ट में बताना है कि हमें वो कैसा पूरा हमारा अनुभव कैसा रहा उसके बारे में. तो वो हमें लास्ट में बताना है. सो वी कैन स्टार्ट समथिंग अवर आंसर लाइक के वेल नाउडेज वी कैन सी दैट ट्रैफिक जैम इज़ वेरी वेरी कॉमन इन एवरी बिग सिटीज़. And people really waste their time in this traffic jam. ठीक है, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो. अब आप कोई भी एक दो इंसिडेंट्स के बारे में बात कर सकते हो. जैसे कि मैं बताऊँ कि मुझे याद है कि से लास्ट मंथ आई जस्ट गॉट स्टक अप इनटू ट्रैफिक व्हाइल ट्रैवलिंग टू माय कॉलेज एंड आई वाज जस्ट गोइंग फॉर माय एग्जामिनेशन. तो उस वक्त जैसे कि मुझे पता था कि ये टाइम पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है ये रोड पे, तो मैंने ट्राई किया कि मैं एक दूसरे कनेक्टिंग रोड से जाऊँ. वहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है पर ट्रैफिक हमेशा कम रहता है, तो मैंने वो रूट चेज़ किया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली टू माई बैड लक, आप जो भी बोलना चाहते हो, कि उस दिन वहाँ पे ऐसा हुआ कि कोई एक एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो रखा था. Now I already entered into that road and in that crowd. और फिर ऐसी हालत हो गई कि it was a peak hours, so back to back दूसरे भी vehicles आ गए. तो I really got stuck up into that traffic and people, police came there and people were also trying to first help the person who were there in the accident जो हुआ था, तो उनकी हेल्प में लगे हुए थे और उनको हॉस्पिटल भी भिजवाया गया. एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ट्रैफिक इतना बढ़ गया था कि इवन एम्बुलेंस को आने में मुश्किल हो रही थी. एंड वाइल पर आफ्टर दैट ऑलमोस्ट ट्रैफिक को कवर करने में इट टुक मोर देन 40-45 मिनट्स, जहाँ पे दो तीन जन खुद से वॉलेंटरीली भी वहाँ पे आ गए थे टू कवर अप द ट्रैफिक. सब लोग को प्रॉपर सिक्वेंसिंग दिखा के कि भाई यहाँ से निकालो गाड़ी एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू डू दैट. सो दैट वाज रियली वेरी हार्ड टाइम फॉर मी, क्योंकि मेरे जो अंदर था वो और मैं ज़्यादा नर्वस होने लगा था बिकॉज माई टाइम वॉज गोइंग ऑन. आई वॉज अबाउट टू गिव माई एग्जामिनेशन. सो आई गॉट रियली पैनिक एंड देन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई थॉट के वेल आई एम सिटिंग इन द माई व्हीकल और आई एम सिटिंग ओवर देयर इन माई कार. So let me now do something worthful which can help me in my examination. I don't get nervous or I don't get demotivated. So I just started going through a little bit of my points of my subject of examination. And while everyone was trying to cover up the traffic, so at that moment of time, I tried to have a control over my frustration and my patience. So I would like to say that it was really a very bad feeling, and it was actually the height of my patience because I could not wait anymore, and I really started getting even irritated with the constant honking and also the toxic fumes of the vehicles. And on the other hand, I was just, my time was also going on for my examination. So finally I would like to say that after wasting few minutes or that minutes, I really reached to my examination hall, thank God, on the time. But at the end, I would like to say that I was really frustrated in this traffic jam, and it really disturbed me a little bit for my examination.
एक ये चीज़ बता सकते हो। दूसरा आंसर आप ये ऐसा दे सकते हो कि ट्रैफिक जैम में कब फंसे, तो आप कहीं पे घूमने गए थे और घूमने गए हो और वहाँ पर आपको ये ट्रैफिक जैम में लाइक यू नो अटक गए हो, और आपका जो स्केड्यूलिंग टाइम था कि आपको वहाँ पे जाके ये घूमना है ये देखना है, तो वो सारी जो विजिटिंग प्लेसेस है या तो वहाँ पे आपका टाइम डिस्टर्ब हो गया, और आपके जो बुकिंग्स करवा के रखे थे आपने तो वो बुकिंग्स में भी आपको डिस्टर्बेंस हो गया क्योंकि आप वहाँ पे साइट सीन में जाने वाले थे और लाइक यू नो बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक जैम, ठीक है, आप वो नहीं कर पाए। सो ओवरऑल एक वो फ्रस्ट्रेटिंग लाइक यू नो एक्सपीरियंस था। फिर उस वक्त आपने, कई बार हम बोलते हैं ना 2-3 घंटे भी हम लोग अटक जाते हैं कई बार हाईवेज पे जाते हैं, तो उस वक्त आपने क्या किया, तो या तो मैंने म्यूज़िक सुना या तो मैंने कोई सीरीज़ देखी लाइक यू नो फ़ोन में, और मैंने अपने आप को एंटरटेन करने को ट्राई किया कि जिसकी वजह से ये जो है वो ट्रैफिक मुझे इरीटेट ना करे, बट स्टिल फाइनली इट इरीटेटेड मी एंड लाइक यू नो आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड। सो दिस इज़ द वे यू कैन गिव योर लाइक यू नो आंसर इन योर क्यू कार्ड पोर्शन फॉर हाउ लाइक यू नो ट्रैफिक जैम अफेक्टेड यू इन योर लाइक यू नो रूटीन लाइफ और टाइम। सो गाइस, इस तरीके से आप भी अपना एक आंसर बना सकते हो। कोई भी एक इंसिडेंट आपको याद करो, खुद का हो या फ्रेंड्स का हो, और वो इंसिडेंट को लेके आप अच्छा सा एक आंसर बना के आप बोल सकते हो यहाँ पे। सो गाइस, सी यू टुमारो विथ वन मोर क्यू कार्ड। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई पॉडकास्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।